हेलो फ्रेंड्स, अभी हमें चांदनी चौक में, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं चांदनी चौक के कूचा चौधरी मार्केट में। ये इंडिया की सबसे बड़ी सबसे सस्ती मार्केट है कैमरों की और उसके एक्सेसरीज की और गैजेट वगैरह की। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी सूर्यवंशी। अभी हमें चांदनी चौक में, पिछले पार्ट में आपने देखा मैं आपको लेके गया था मैक्स मॉल, जो चांदनी चौक के बिल्कुल में खुल चुका है, अभी प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए आपको एक छोटा सा वॉक टूर दिखाता है चांदनी चौक का, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं चांदनी चौक के कूचा चौधरी मार्केट में। ये इंडिया की सबसे बड़ी सबसे सस्ती मार्केट है कैमरों की और उसके एक्सेसरीज की और गैजेट वगैरह की। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेके चलते हैं आपको चांदनी चौक के कूचा चौधरी। मस्त प्लानिंग, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये सामने आ गया जैन रबड़ी वाला, जैन स्नैक्स काउंटर। तो ये है इनकी रबड़ी, देखिए। तो इन पर मिलती है अलग अलग टाइप की रबड़ी, देखिए, रोज रबड़ी है, चॉकलेट रबड़ी है, किटकैट रबड़ी है, उसके बाद आपको केसर रबड़ी है, काफी सारी रबड़ी आपको यहाँ मिल जाती है। इसका प्राइस है 80 रुपए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। स्पेशल जलेबी 600, रबड़ी 600, और ये रहा आपका शीशगंज गुरुद्वारा आपके सामने बिल्कुल। और ये रहा इस तरफ मॉल आ गया और ये आपका शीशगंज गुरुद्वारा आ गया। तो चलिए आपको थोड़ा सा वॉक स्ट्रीट लेके चलते हैं आपको हम चांदनी चौक के। और ये जो है अन्नपूर्णा भंडार, ये बहुत पुरानी शॉप है यहाँ की। ये मोस्टली जो फेमस है, इसके बाद बंगाली जो फूड होता है ना, उससे रिलेटेड आपका बंगाली, आपका रसगुल्ला वगैरह हो गए और आपका समोसे वगैरह हो गए, इस टाइप की मिठाई इसमें मिलती है। और ये आ गया अपना चांदनी चौक, ठीक है। इस तरफ जाओगे तो आप चले जाओगे नई सड़क होते हुए फतेहपुरी, और ये अपना शीशगंज गुरुद्वारा, और वो सामने लाल किला बिल्कुल सामने की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम घूम रहे हैं चांदनी चौक पे ही, ये रहा, और मेरे पीछे आ चुका है देखो शीशगंज गुरुद्वारा, ये रहा आपका शीशगंज का गुरुद्वारा है, ये रहा मेरे पीछे। और इस तरफ जाओगे तो आप चले जाओगे नई सड़क, और इस तरफ बिल्कुल सामने लाल किला है, तो उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है, ये रहा शीशगंज गुरुद्वारा मेरे पीछे। और इस तरफ सामने वो रहा मॉल, मतलब बिल्कुल शीशगंज गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने मॉल है जो अभी खुला है। तो चलिए थोड़ा सा आपको गुरुद्वारा दिखाते हैं बाहर से, उसके बाद आपको मिलते हैं दोबारा से। तो दोस्तों, इस गुरुद्वारे का बहुत बड़ा इतिहास है, तो चलिए बताते हैं क्या है इस गुरुद्वारे के बारे में। मैं थोड़े आपको और डिटेल्स में बताता हूँ।
तो ये जो गुरुद्वारा है दिल्ली के चांदनी चौक में है, इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनका शीश कटकर गिरा था, इसलिए इस गुरुद्वारे की शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। तो इस जगह का जो निर्माण है 1783 में जो इन गुरु जी के जो नौवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनकी शिदात स्थल की स्मृति में बेगाल सिंह द्वारा एक छोटे से मंदिर के रूप में इसका किया गया था निर्माण। इसके निर्माण से पहले यहाँ पे मुगलों की एक कोतवाली, जिसको पुलिस स्टेशन कहते हैं या जेल कह सकते हैं, वो यहाँ पे पहले स्थित थी, जो 1857 के विद्रोह के बाद, भारतीय विद्रोह के बाद मुग़ल कोतवाली ने अंग्रेज़ों को ध्वस्त कर दिया था। 11 नवंबर 1675 में मुग़ल सम्राट के औरंगजेब के आदेश पर नौवे गुरु जी का यहाँ पे सिर काट दिया गया था। भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट है वो भारत के राष्ट्रपति को सलामी देने से पहले शीशगंज गुरुद्वारे को सलामी देते हैं। 1979 के बाद से भारतीय सेना की एक रेजिमेंट द्वारा भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में दो बार सलामी देने का यह एकमात्र उदाहरण है। इस गुरुद्वारे के अंदर एक कुआ भी है जिसे कहा जाता है गुरु जी का सर कलम करने से पहले उस पेड़ का तना जिसके नीचे गुरु जी का सर काटा गया था और जेल अवधि के दौरान स्नान करने के लिए उन्हें उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुएं का इस वह कुआ आज भी इस गुरुद्वारे के अंदर संरक्षित किया गया है। इसके अलावा गुरुद्वारे के बगल में एक कोतवाली बनी यानी पुलिस स्टेशन है, जहां गुरु जी को यहां पे कैद किया गया था, उनके शिष्यों को प्रताड़ित किया गया था, उसके निकट ही आज वहाँ सुनहरी मस्जिद भी आज के टाइम पर उपलब्ध है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इतिहास के बारे में अगर मैंने कुछ गलत बताया तो मुझे क्षमा करना। चलिए अब आपको लेके चलते हैं मार्केट में। तो कैसे वहाँ पहुँचना, आपको पूरा रास्ता मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए करते हैं शुरुआत। लहंगे वगैरह देखिए, आपको 3750 हो गया, 2850, 3850 इसी टाइप का है ये। और इसके साथ में शेरवानी की शॉप आ गई। और देखिए सामने बिल्कुल लाल किला दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा सामने लाल किला। और अभी हम शीशगंज गुरुद्वारे से इस साइड आए, दूसरी साइड हम लोग बाद में जाएंगे। तो यहाँ शूज़ की दुकान भी आ गई आपकी। इसलिए शॉप पर लहंगा देखो, कितना ब्यूटीफुल लहंगा है देखो, इस तरह भी। अबे साले बैगन, शॉप थी उस पर 3-3 हज़ार रुपये में लहंगे स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ पे भी लहंगे है कुछ। दुल्हन के लेंगे 3,000-4,000 से मिलेंगे डिजाइनर। और ये आ गया जलेबी वाला, जो यहाँ का सबसे फेमस जलेबी है, इनकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। पहले 100 ग्राम लेंगे। और इस वाली गली में सारा सुनार का है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और ये वाली गली में जितने भी आप देख रहे हो, ये सारा सुनार का दुकान है, दरीबा कला बोल कहते हैं, दरीबा कला। और ये पूरी गली में जितने भी सारे सुनार ही आपको मिलेंगे, जो आपको सोने चांदी के जितने भी आपको आइटम बनवाने हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ये सामने चर्च है। लहंगे दिखे हैं यहाँ पर चांदनी चौक में, लहंगे सबसे बेस्ट मिलते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे एक SBI बैंक है जो अंग्रेजों के टाइम का है। और ये सामने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आ चुकी है, भागीरथ प्लेस। इस वाली गली के अंदर जाओगे सामने भागीरथ प्लेस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आ जाएगी। और ये SBI बैंक है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है ये ना, चांदनी चौक का SBI बैंक। और ये सामने जो गली जा रही है ये भागीरथ प्लेस निकल जाती है।
और इधर से इधर मुड़ोगे आगे साइकिल मार्केट आ जाती है और वहीं पे है कूचा चौधरी मार्केट। तो इसमें देखिए काफ़ी अलग अलग टाइप के लहंगे हैं, मतलब सारे ब्राइडल लहंगे मिलेंगे इनके शॉप पे। और इस दुकान पे जो लहंगों की स्टार्टिंग है वो 4,000 रुपये से स्टार्टिंग है। ये कूचा चौधरी आ गया। तो यहीं पर ये कैमरे की मार्केट, कैमरे उसके गैजेट्स वगैरह हो गए और कैमरे से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज है रिपेयरिंग वगैरह सब यहाँ पे होती है। और ये रहा SBI का जो बैंक है जो मैं आपको बताता वो है ये। और इस बैंक के बिल्कुल सामने एक गली जा रही है, ये रही इसके अंदर है मार्केट पूरी, ये देखिए। चलिए चलते हैं लेके आपको अंदर लेके चलते हैं। और इसके अंदर जो है ना सारे कैमरों की मार्केट है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर कैमरों की मार्केट में। यहाँ पे आपको मोस्टली कैमरे से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये है कैमरों की मार्केट, देखिए। यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट DSLR मिल जाएगा 6,000 रुपये से स्टार्टिंग, 2 साल की वारंटी के साथ में। आपको यहाँ पर सारे कैमरे मिल जाएंगे, DSLR वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो दोस्तों इस वाली मार्केट में आपको कैमरे से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे ट्राईपोड हो, चाहे कैमरे के बैग हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे आपको बैटरी लेनी हो, लाइट लेनी हो, कुछ भी ले। मेमोरी कार्ड वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, मेन इनके ट्राईपोड वगैरह स्टैंड वगैरह सब होते हैं यहाँ पे लेनी हो, चाहे DSLR, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग, शादी की रिकॉर्डिंग वाले कैमरे सब आपको यहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट पे, काफ़ी अच्छे रेट पे आपको मिल जाते हैं और अच्छी खासी वारंटी के साथ मिलते हैं, क्योंकि इंडिया की सबसे सस्ती मार्केट है कैमरे की। कैमरे की स्टैंड, कैमरे की लाइट, कैमरे की फ्लैश, कैमरे की छतरी वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हर टाइप के कैमरे की रिपेयरिंग वगैरह भी मिल जाएगी। तो यहाँ सारी चीज़ें की मार्केट है, आपको बैटरी, कैमरे की बैटरी वगैरह हो गए, DSLR वगैरह हो गए, सारे जो कुछ आपको मिल जाएगा इन मार्केटों में। यहाँ पे कैमरे वगैरह रिपेयरिंग वगैरह की मार्केट भी है, यहाँ पे आप रिपेयरिंग वगैरह भी करवा सकते हो। देखिए यहाँ पे इस टाइप के बैग वगैरह भी है। ट्राईपॉड्स वगैरह भी हो गए आपके यहाँ पे। इस जगह का नाम है कूचा चौधरी, देखिए जरा ऊपर की तरफ भी। तो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी के अच्छे अच्छे अगर कैमरे चाहिए तो आप इधर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है मार्केट कैमरे की। अगर आपको बेस्ट कैमरे, मेमोरी कार्ड वगैरह इससे आपको कुछ लेना हो या रिपेयर करवाना तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं। ये है कूचा चौधरी, चांदनी चौक में ही है। मैं आपको बाहर लोकेशन दिखाता हूँ क्या है। थोड़ा सा और बाहर निकल के मैं आपको बस ऑलमोस्ट बाहर आ गया हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारे कैमरेज वगैरह है, सारे DSLR हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं आने वाले टाइम पे अगर DSLR वगैरह यूज़ करूँगा तो यहीं से लेने वाला हूँ। देखिए हम आ चुके हैं बाहर, लोकेशन देखो बिल्कुल सिंपल सा है। ये SBI बैंक, देखो ये हो गया SBI बैंक और SBI बैंक के बिल्कुल सामने ही है। और देखिए दूसरा लोकेशन मैं आपको समझाऊँ तो ये साइकिल मार्केट आगे पीछे, साइकिल मार्केट के पहले कट में अंदर घुसना है आपको। मजा आया बहुत। और ये उसी मार्केट की बाहर वाली दुकानें हैं। ये देखिए इस टाइप के आपको यहाँ पे देखिए DSLR वगैरह यहाँ पे भी दिख जाएंगे। ये देख कैमरे रिकॉर्डिंग वगैरह, शादी पार्टी वाले कैमरे रिकॉर्डिंग वगैरह सब यहीं मिल जाते। अभी हम उस वाली गली में थे, अब यहाँ से हम बाहर आ गए।
ये देखिए कैमरे के लेंसेज वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको 360 सेल्फी वाला भी मिल जाएगा, सेल्फी बूथ। ये देखिए आजकल ये बहुत चल रहा है, आजकल लोग ये खरीद लेते हैं और कहीं भी लगा के 50-50 रुपए में सेल्फी वगैरह के लिए काफी कमाई कर रहे हैं लोग इससे। मस्त प्लान है, पैसा ही पैसा हो गया, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देखिए आगे भी शॉप है सेल्फी बूथ की, ये रही आपका 360 सेल्फी बूथ है, जो सेल्फी वाली टेबल आज चल रही है आजकल, देखिए कितनी सारी है। ये देखिए अंदर तो ये सारी जितनी मार्केट है ये सारी आपको कैमरे की नई चीज़ों की मार्केट है, कैमरा हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा हो गया, शादी वगैरह लाइटें वगैरह वो सारी आपको यहाँ मिल जाती है। और ये सामने मंदिर आ गया जो कनॉट प्लेस का 200 साल पुराना मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह भी होती है इनकी, ये देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े जो कैमरे थे उनके ट्राईपॉड वगैरह सब यहीं पर मिलते हैं। मेरे पास जो एक निकोन का कैमरा है वो भी मैंने यहीं से लिया था, कम से कम उसको हो चुके हैं 2007 में लिया था, और अभी देख लो क्या चल रहा है, कम से कम 18 साल हो गए हैं, 16 साल जितने भी है वो हो चुके हैं उसको, सॉरी 16 साल हो चुके हैं उसको। और ये है देखिए मंदिर, जो प्राचीन सिद्धपीठ श्री नरसिंह जी हनुमान मंदिर है, ये अभी मंदिर बंद हो चुका है। देखो ये मंगलवार को पूरा दिन खुला था, मंगलवार शनिवार को बाकी दिन इस टाइम बंद होता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये हनुमान मंदिर अभी इस टाइम पे बंद है, ये कम से कम 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है, जो यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति निकली थी वो स्वयं भू से निकली है, खुद ही ज़मीन से प्रकट हुई थी। 250 साल पुराना मंदिर है, नरसिंह जी और हनुमान जी का दोनों इस मंदिर में विराजमान है। और उसके अलावा अगर यहाँ के बताया जाए तो ये जो हनुमान जी की पहली ऐसी मूर्ति है जिनका मुख खुला हुआ सूरज को मुंह में लिए हुए इस तरीके से वो प्रतिमा दिखाई जाती है, जो यहाँ के महंत जी द्वारा बताया गया है। तो उस तरफ था हनुमान जी का मंदिर, और इस तरफ जो है सारी घड़ी की मार्केट हो गई, और घड़ी की मार्केट के अलावा दिगंबर जैन मंदिर हो गया, और यहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। उस साइड तो भागीरथ प्लेस है ही, उसके अलावा यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और ये जो है ना ये साइकिल मार्केट, देखो ये देखो यहाँ पर आपको इस टाइप के फोर व्हीलर कार्स वगैरह बच्चों के मिल जाएंगे, और साइकिल वगैरह लेने तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है। ये देखिए आपको इस टाइप की जिप्सी वगैरह भी मिल जाएगी यहाँ पे, और ये देखिए तो ये साइकिल मार्केट है कनॉट। ये पूरे के पूरे ऑटो लोड होके जा रहे हैं यहाँ से, और इस टाइप के यहाँ पे हर टाइप की आपको साइकिल वगैरह मिल जाएगी बच्चों की बड़ों की। ये है साइकिल मार्केट यहाँ की, ये देखिए ये बच्चों के वॉकर वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये साइकिल मार्केट आगे भी है पर हम लोग इससे आगे नहीं जा रहे अभी। तो चलिए ये थी आपके लिए कनॉट प्लेस की वॉक स्ट्रीट। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर देता ना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, करते हैं इस वाले पार्ट में ही पैंट। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आज की मजबूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे